गुड इवनिंग चेक आई एम ऑडिबल और नॉट चेक आई एम ऑडिबल और नॉट आई एम सर ओके 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 थैंक यू फॉर जॉइन टू क्लास टुडे वी डिस्कस क्या करने वाले हैं आज हम लोग डिस्कस आज लोग हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसके बारे में कल हमने बताया था जो हमारे uh, तो टुडे द डे ऑफ दिस वर्कशॉप टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एडवांस एआई टूल्स फॉर द टीचर्स द बियनि कल वी हैव ऑलरेडी अबाउट द द कि हाउ वर्क है ना किस तरह से हम उसके कंटेंट्स को आ, मतलब क्रिएट कर सकते हैं जनरेट कर सकते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं किस किस तरह से हम लोग क्रिएट को मतलब उसके कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीका से ठीक है तो आज हम वी विल लर्न अबाउट ऑफ टूल्स जो बहुत सारे ए आई टूल्स हैं ना जो क्या करते हैं जो स्पेशली जनरेट फॉर द टीचिंग पर्पजेस ठीक है तो हमारे पास आज बहुत सारे हैं लेकिन हम आज जो डिस्कशन करेंगे दो एक चार ए आई टूल्स को बताएंगे क्योंकि ज्यादा ए आई टूल्स नहीं कवर कर सकते ना एक डेढ़ घंटे में तो आज जो हम आपसे डिस्कश करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से ए आई टूल्स काम करते हैं ना जो दूसरे ए आई टूल्स है चैट जी के अलावा

आर्ट ऑफ़ द प्रजेंटेश तो आज हम उसमें समझेंगे कि जब भी हम कोई क्लास रूम में कोई क्लास रूम में कोई अपना लेसन प्लान का या कोई और दूसरा जो प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं और हम बच्चों को उन बच्चों को हम प्रेजेंटेशंस के जरिए समझाना चाहते हैं या फिर हम अपना पर्सनल क्रिएट करना चाहते हैं तो हम एक हमारे पास एक बहुत ही अच्छा टूल है उसका नाम है बैपिक ए ठीक है इसके अलावा हम लोग जैमनी ए का भी के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसके बराबर चैट ट्यूब ए जो है चैट ट्यू बे बेसिकली आपके किसी भी वीडियो को और, किसी भी वीडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने वाला ट है ठीक है तो इन चार टूल्स है हमारे पास उन चार टूल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो एडवांस एयरटेल्स होते क्या हैं और किस तरह से काम करते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिज ए आई टूल हाउस ए आई टूल्स वर्क और किस तरह सा कि, किस तरह से हमारे पास जन कंटेंट जनरेट होके आता है तो फर्स्ट ऑफ टेल मी के हाउ मेनी पीपुल नो अबाउट द जेमिनी ए

उसको किस तरह से हम जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें ग्रेडिंग करना है या फीडबैक का या स्टूडेंट असेसमेंट का है उसको हम कितने कम टाइम में कितना अच्छा कर सकते हैं ठीक है ना तो आप इसके बारे में लर्न करेंगे ठीक है तो सबसे बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वी आर यूजिंग द एआई तो एआई क्या करता है एआई क्या करता है ऑटोमेटेड ऐसे स्कोरिंग सिस्टम के फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी बच्चे ने आपको एक ऐसे एस, राइट करके दिया या कोई कंटेंट राइट कर, करके दिया और आपने कहा कि कंटेंट राइट किया ना इसको थोड़ा सा हमें एनालाइज करो कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स है क्या मिस्टेक्स है तो आप क्या कर सकते हैं जस्टिफाई के उसका जो आपके आपको जो बच्चे ने आ, मतलब आ, आ, Uh, जो ऐसे लिख कर दिया है कोई असाइनमेंट दिया है या कोई और टॉपिक पर दिया है तो उसमें कहाँ का क्या क्या प्रॉब्लम्स है ठीक है ना कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्या कर सकते हो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस सिस्टम द नेचुरल नेचुरलिंग जब हम इस सिस्टम को यूज करते हैं तो ये क्या करता है दिस इज यूज द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टू द एवरी ऐसे प्रोवाइडिंग द स्कोर एंड फीडबैक ऑन द वेरियस आस्पेक्ट सच एज द ग्रामर कोहेरेंस एंड कंटेंट और कौन कौन से टूल्स है टूल्स, क्या है टूल्स का नाम है जैसे ना तो बारे, 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 बारे में हम लोग प्रैक्टिकल नहीं करेंगे बल्कि हम दूसरे टूल्स के बारे में करेंगे जो आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं ठीक है तो जेमनी आई चैट जीबीटी से हम लोग इस बारे में सीखेंगे कि किस तरह से एक ऐसे को हम राइट करके और एक ऐसे की स्कोरिंग को तो हम किस तरह से वहां पर क्रिएट कर सकते हैं ठीक है थीके? तो ये ये ये, ये सारी चीजें क्या करेंगे दिस थिंग्स वी विल लर्न अबाउट इट ठीक है ना आज तो हम लोग ये सीखने वाले हैं ठीक है थीके? तो ऑटोमेटेड ऐसे स्कोरिंग सिस्टम द अनदर वन इज अनदर वन क्या है इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम बेसिकली ये क्या है इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स एंड प्लेस और न्यूटन और खान अकेडमी दो ऐसे टूल्स है जो इंटेलिजेंट टूटरिंग सिस्टम को क्या करते है कवर करते हैं अब इंटेलिजेंस टूटर सिस्टम में होता क्या है बेसिकली जब कोई हम आर्टिकल लिखते हैं हमने हमने चैट जीपीटी या दूसरे से पूछा कि कैन यू प्रोवाइड मी द द द व्हाट इज ऑफ फ्रेंच रेबुलेशन है ना तो वो क्या कर देगा वो आपको फ्रेंच की हिस्ट्री जैसे कल हमने हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन किया था कि फ्रेंच रेबुलेशन की हिस्ट्री आपको क्या करेगा हिस्ट्री के बारे में पूरे फैक्ट दे देगा जो भी फैक्ट आप ठीक है हिस्ट्री के बारे में क्या कर देगा हिस्ट्री के बारे में पूरे फैक्ट आपको आपको प्रोवाइड कर देगा ठीक है तो क्या करता है ये 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 क्या कर रहा है दिस इज वर्क फॉर द किसके लिए काम कर रहा है ये कर रहा है हिस्ट्री के लिए या जो भी इंटेलिजेंस सिस्टम है जो भी टॉपिक आप चाहते हो वो सारी चीजों के लिए वर्क uh, है ना काम कर रहा है द वन इज ए आई पावर असेसमेंट टूल अब ये असेसमेंट टूल का क्या 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 मतलब क्या कॉन्सेप्ट है ये कैसे काम करता है तो बेसिकली असेसमेंट टूल भी इसी तरह से काम करता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दीज टूल्स क्रिएट द एडमिनिस्ट्रेटिव असेसमेंट एनालाइज द द परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइड द टीचर है ना कि कोई असेसमेंट है और हमने ए आई टूल से बोला कैन यू असेस दिस आर्टिकल दिस ऐसे कि वट इज द रॉन्ग एंड हाउन वी कैन राइट द करेक्ट है ना तो वो तो इस तरह से एग्जाम सॉफ्ट और टेस्ट गोरिल्ला नाम के ए आई टूल्स हैं जो इस पर काम करते, है, करते है। लेकिन हमारे पास एक ए आई टूल्स है वो सबसे इम्पोर्टेंट ए आई टूल्स है वो है जी पी टी ठीक है चैट जी पी टी इज द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर द ऑल सेक्शन है ना इसके अलावा जेमनी आई जेमनी ए आई ऑल्सो इज दी डिस्कस अबाउट द जेमनी ए आई जेमनी इज ऑल्सो द वेरी क्या है जेमनी आई जेमनी ए आई के बारे में मैंने पूछा था लोगों को बताइए कि कितने लोग जेमनी ए आई के बारे में जानते हैं ठीक है थीके? तो ये क्या है जेमनी आई बेसिकली आई इज टूल विच इज इज कनेक्टेड ट गूगल तो ये गूगल का टूल है गूगल क्या है गूगल जिस तरह से चैट जी पी टी ओपिन डिस्कशन किया था तो ये इसी तरह से ये क्या है ये जो जेमनी आई है बेसिकली uh, किसका टूल से वो है गूगल का टूल्स गूगल ने इसको क्रिएट किया है और कंप्यूटर ऑफ द चैट जीपीटी चैट जीपीटी का कंप्यूटर है ये इसके बारे में डिस्कस करेंगे ठीक है लेकिन हम यहाँ पर ये जो ये सॉफ्ट एग्जाम्पल या टेस्ट गोरला इस तरह के भी टूल्स बहुत सारे टूल्स है जो स्पेसिफाइड असेसमेंट के लिए है ठीक है ना तो इसके इसके बारे में हम लोग समझ ले गए असेसमेंट भी हो गया ठीक है ना अदर अनदर वन थिंग इज अनदर वन और क्या है आ, दूसरी चीज है ए ड्राइव इन फीडबैक जनरेशन अभी जनरेशन फीडबैक के बारे में भी हमने बात की थी ठीक है तो ये क्या है फीडबैक भी हमें प्रोवाइड दीज टूल्स आर द स्पेसिफाइड दंस्ट्रक्शन फीडबैक ऑन द स्टूडेंट वर्क हेल्पिंग दीज इम्प्रूव देयर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी तो ये करता है ये कौन है ग्रामरली लोग जानते और 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 ये ये सारे क्या के लिए हम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे पास मैजिक स्कूल जो टूल्स है उसमें भी सारे सारे ज्यादा एक्चुअली मैजिक स्कूल टूल्स क्रिएटेड फॉर द टीचर्स स्पेशली तो उसमें ये सारी चीजें अवेलेबल है ठीक है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड मल्टीपल ए आई टूल्स इन टू योर टीचिंग प्रैक्टिस ठीक है ना तो अब हमें क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए इसके बारे में आइडेंटिटी योर नीड जब हम कोई भी जो कोई भी टूल्स का इस्तेमाल करेंगे तो हमें सबसे पहले आई वी वी शुड नो कि व्हाट इज द नीड है ना हमारी क्या नीड है डिटरमाइन द स्पेसिफाइक एरिया वेयर यू वांट टू तो क्या करना है डिटरमाइन द स्पेसिफाई स्पेसिफाइड एरिया क्या स्पेसिफाई एरिया होना चाहिए डिटरमाइन द स्पेसिफाई एरिया वेयर यू वांट टू लेवरेज एआई आई इनहेंस योर टीचिंग द कंसीडर फैक्टर्स सच एज द वर्ड वर्कलोड स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड असेसमेंट टू द इफिशियंसी तो सबसे पहले हमें अपनी नीड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है ना तो अनदर अनदर वन थिंग इज इज तो दूसरी चीज क्या है दूसरी चीज के बारे में क्या है दूसरी चीज ये चूज द राइट राइट टूल्स अब समझना पड़ेगा कौन सा टूल हमारे लिए रिसर्च एंड सेलेक्टेड ए आई सूल दर द गोल्स एंड टीचिंग स्टाइल है फैक्टर लाइक द कॉस्ट इज एंड कंपेटेबिलिटी विद योर एग्जिस्टिंग सिस्टम तो ये समझना पड़ेगा हमें वी शुड अंडरस्टैंड इज द राइट फॉर यू कौन से टूल की आपको जरूरत है ठीक है तो जब ये हमारी समझ में आ जाएगा कि ये टूल्स हमारे लिए जरूरतमंद है तो यू कैन कंफर्टेबल टू यूजिंग द टूल है ना वो सारे टूल्स को आप क्या करेंगे इट इज वेरी वेरी इजी टू यूज है ना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा ठीक है ना तो अनदर वन इज एक्सपीरियंस एंड ए क्या, है? In तो इसमें क्या करना है आपको इन कार्पोरेटिंग ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सौ अगर ए आई टूल्स है आप, आप बल्कि क्या करे आप उसमें से कोई एक या दो ए आई टूल्स यूज कर ले और उन ए आई टूल्स का इस्तेमाल अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के लिए करें ऑब दियर इम्पैक्ट On student learning workload and and overall effectiveness, make adjustment as the needed and gradually expand your use of the AI tool. एंड ओवरऑल इफेक्टिव इस चीज समझ में आ गई तो ये चीज आपकी समझ में आ गई कि एक्सपेरिमेंट एंड एंड ए तो यानी कि जो टूल्स बहुत सारे टूल्स है उन टूल्स को क्या करना है उसमें से कुछ ही टूल्स को आपको यूज करना है सारे टूल्स में अगर जाएंगे तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे ठीक है ना तो अनदर वन थिंग द प्रोवाइड द क्लियर एक्सपेक्टेशन तो क्या होना चाहिए आपको प्रोवाइड द क्लियर एक्सपेक्टेशन क्या एक्सपेक्टेशन होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ठीक है ना ये क्या है यहां पर फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन एंड स्टूडेंट हाउ स्टूडेंट हाउ टू टूल्स विल बी यूज इन द क्लास रूम एक्सप्लेन बेनिफिटेशन ऑफ दिसन यानी जो आप यूज कर रहे हैं ना आपको कन्वे करना पड़ेगा अपने क्लास में कि दिस टूल इज यूज फॉर यू स्टूडेंट के लिए यूजफुल है या नहीं है या कौन सा हमें टूल का इस्तेमाल करना चाहिए है ना कौन से टूल का हम इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सा टूल फॉर द स्टूडेंट्स के लिए बता देंगे स्टूडेंट्स को तो स्टूडेंट्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगी द मेनी प्रॉब्लम सॉल्व है ना और बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ठीक है ना द अनदर वन इज एथिकल इम्प्लीकेशन तो जब हम कोई भी भी किसी ए टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो there should be the ethical considerations, है ना कि भाई हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो आ, सही है या गलत है बी माइंडफुल एंड पोटेंशियल इन द एलगोरिज्म है ना तो वहां पर क्या हो सकता है कभी क्या कर सकता है कभी वो आपको आपको सही भी दे सकता है वो कभी गलत भी दे सकता है तो इस चीज का हमें ख्याल रखना पड़ेगा द अनदर वन इज अनदर वन क्या है द अनदर वन इज द प्रोफेशनल डेवलपमेंट सी ठीक है

या कोई आपने आर्टिकल लिखा और आर्टिकल या ऐसी में क्या है कि बहुत सारी चीज आपसे ह्यूमन बहुत सारी चीज आप मिस कर जाते हैं ए एआई विल प्रोवाइड द ईच एंड एवरी आस्पेक्ट है ना हर चीज को वो प्रोवाइड करेगा ठीक है तो वहां पर क्या होनी चाहिए देर शुड बी द प्रोफेशनल डेवलपमेंट अनदर वन इज अब द अनदर थिंग इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज आपने, आपने, आपने अपने आपने अपने क्लासरूम में कोई भी चीज को ब्लैक बोर्ड पर लिखा व्हाइट बोर्ड पर लिखा पूरा कंटेंट लिख दिया एक नोट्स लिख दिया तो अब इस नोट्स को हम लोग क्या करें हम हम लोग चाह रहे हैं कि इस नोट को हम एक टेक्स्ट बना दें तो इस नोट को टेक्स्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हम ए आई की मतलब हम वी कैन यूज द ए आई टूल्स फॉर द क्रिएटिंग टैक्स ऑफ़ दिस ब्लैक बोर्ड नोट्स और इसके अलावा भी इसके अलावा जब आप ब्लैक बोर्ड के नोट्स बनाते हैं जो वो कंटेंट आपको टैक्स uh, में कन्वर्ट कर देता है उसके बाद करता क्या है बेसिकली यू कैन आस्क द एआई टूल कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस टॉपिक और वो आपको बहुत ज्यादा एलोबरेट करके बता देगा द द द टूल्स विल हेल्प टू और एक्सप्लेन योर टॉपिक एंड योर नोट्स ठीक है ना तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज है कन्वर्ट द ब्लैक बोर्ड क्या है कन्वर्टिंग द ब्लैक बोर्ड कंटेंट इंटू द टेक्स यूजिंग ए आई सॉरी ठीक है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है तो इस इसपे भी हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे ठीक है ना इसके भी भी प्रैक्टिकल करेंगे तो आज हम लोग थियोरिटिकल बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे क्योंकि हम लोगों ने कल थियोरिटिकल में हमारा बहुत सारा टाइम चला गया था हम लोग बहुत प्रैक्टिकल नहीं कर पाए थे टाइम खत्म हो गया था ठीक है तो अब सबसे पहले हम लोग आज बात करते हैं हम लोग बात करते हैं हम जो यहाँ पर डिस्कशन करेंगे वो हम डिस्कशन करेंगे चार देर देर इज द फोर AI tools, uh, we will here. वो, which, वो कौन कौन से है वो वो दियर इज ए वन इज क्या है जेमनी आई है चैट ट्यूब हर मैजिक स्कूल और वैपिक ए आई ठीक है ना अब ये टूल्स करते क्या इनका काम क्या होता है इनका काम होता है ये क्या करता है ये एल के चैट जीपीटी की चैट बोर्ड है ये क्या है ये आपके वीडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है और स्कूल the, uh, मैजिक मतलब uh, uh, है मतलब टीचिंग टीचिंग जो टूल्स हैं ना उसको यूज करने का और बेपिक आई एक्चुअली बेपी के आई इज द वेरी वेरी यूजफुल टूल फॉर द प्रेजेंटेशन किसके लिए प्रेजेंटेशंस के बारे में कल हमने प्रेजेंटेशंस के बारे में बताया था कैनवा का यूज करके ठीक है तो कैनवा इज आल्सो क्या है कैनवा इज आल्सो वेरी क्या है इम्पोर्टेंट टूल्स फॉर द आ, उसके लिए भी है और ये बैपी की आई तो आज हम बैपिक ए आई के बारे में डिस्कस करेंगे तो विदाउट एनी डिले तो आज हम लोग क्या करते हैं आज हम लोग बात करते हैं से शुरुआत करते हैं और हाँ जैमनी ए से शुरुआत करने के बाद हम लोग समझेंगे कि किस तरह से जैमनी आई में हम कंटेंट को क्या कर सकते हैं क्रिएट कर सकते हैं ना अब कंटेंट क्या क्रिएट कर सकते हैं तो आपके पास अगर कोई टॉपिक है तो प्रोवाइड कीजिए मुझे अगर आपके पास कोई टॉपिक है उस टॉपिक पर हम लोग करेंगे उस टॉपिक को प्रोवाइज प्रोवाइड कीजिए उस टॉपिक पे हम लोग करेंगे डिस्कस अदरवाइज सर हम लोग अपना क्या किसी के पास कोई टॉपिक है ठीक है तो ये क्या है हमने हमने क्या कर लिया हमने जेमनी एआई आई लिया जेमनी आई क्या है जेमनी आई बेसिकली दिस इज द क्या है दिस इज पार्ट ऑफ द गूगल गूगल का गूगल का ये क्या है गूगल का एक ए आई टूल से जिस तरह से चैट जीपीटी काम करता है उसी तरह से जेमनी ए आई काम करता है लेकिन चैट जीपीटी के अपना एक एक्सपीरियंस है और गूगल इसका गूगल जेमनी आई का भी अपना एक एक्सपीरियंस है दो, दोनों अलग अलग उसमें काम करते हैं ठीक है ना फील्ड में काम करेगी लेकिन है दोनों सिमिलर है आप उससे भी कंटेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं इससे भी कंटेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं ठीक है ना तो अब ये क्या है आज हम लोग क्या है आ, अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो दीजिए अदरवाइज हम लोग कर दे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास आप कुछ करना चाहते हैं किसी एक टॉपिक पर कि जैसे आप हमने उसमें लेसन प्लान के बारे में भी बात कर ली ठीक है हमने सब चीज के बारे में फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सोशल साइंस का या सोशोलॉजी का या हिस्ट्री का या साइंस का कोई भी एक आपके पास एक चैप्टर है ठीक है आप करना चाहते हैं कि मुझे उस क्लासरूम को चैप्टर को हमें क्या करना है उस क्लासरूम में हमें उस चैप्टर को पढ़ाना है तो क्या करना होगा पढ़ाने के लिए क्या करना पड़ा पड़ेगा तो आप उस इससे जिस तरह से हम लोग वहां पर क्रिएट uh, करा देते थे कैंटन आप फॉर एग्जांपल आपके पास आप ब्लैंक आप कहते हैं कि आपका पास कोई पॉपुलेश का कोई टॉपिक लेते हैं ठीक है पॉपुलेशन का कोई टॉपिक लेते हैं अब हम इससे कहते हैं प्रोवाइड मी सम डेटा प्रोवाइड मी प्रोवाइड मी डेटा ऑफ populations uh, provide me the data of the populations uh, provide me the data of the populations of era. Uh, econo weak section in society. here should be reference references and and generate टेबल ऑफ ठीक है अब कोई एक डेटा है आपने कहा कि भाई आपके पास कुछ एक टॉपिक है और आपने उससे ये कहा कि भाई मुझे ना एक पॉपुलेशन ऑफ द इकोनॉमिक इकोनॉमिक भी, वीकर सेक्शंस ठीक है जो इकोनॉमिक वीकर सोसाइटी है उसकी पॉपुलेशन क्या है और उसका डेटा क्या है तो क्या क्या ये जो जेमनी आई है जो भी आई है, है जो भी है ठीक है ना तो वो प्रोवाइड करा सकता है या नहीं करा सकता देखिए इसने इसमें दे दिया और ये सारे बहुत सारे जो वो ये बता देगा ये आपका सही है या गलत है ठीक है ना तो ये सारी चीजें ठीक है तो अब हमने यहां पर क्लिक कर दिया तो आपको ये कह रहा था ए नोट ऑफ द इकोनॉमिक वीक सेक्शन द सोसाइटी आई कु द सेक्शन टाइटल इकोनॉमिक वीक इन दर्ल्डली रेंज ठीक है तो ये क्या कह रहा है ये कह रहा है कि ये जो आपने जो यहाँ पर इकोनॉमिक वीक सेक्शन दिया है ये यहाँ पर है ही नहीं अवेलेबली नहीं है ठीक है ना तो आप हम इससे ये कहेंगे कि काइंडली काइंडली प्रोवाइड पॉपुलेशन कॉन्टेक्सट ऑफ कॉन्टेक्स इंडिया ठीक है ना अब ये क्या कह रहा है तो अब देखो वीकर सेक्शंस के बारे में बता दिया उसने तो अब इसने क्या कहा वीकर सेक्शंस वीकर सेक्शंस ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन

कैन यू प्रोवाइडमी डेटा ऑफ हेव ऑफ टॉपिक्स ठीक है तो अब हमने क्या कर दिया डेटा अगर हमें बता सकते हैं क्या तो यह क्या कर देगा आपको अब यह क्या कर डाइवर्स डेफिनेशन डेटा कलेक्शन के अंदर डेटा प्राइवेसी कंसर्न ठीक है गवर्नमेंट ऑफ एजेंसी द रिपोर्ट द देंसर ऑफ इंडिया नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन नीति आयोग रिसर्च ये उन्होंने बता दिया कि यहां से आप क्या कर सकते हैं सजेस्ट कर दिया ये डेटा प्रोवाइड करा सकता है और हम इससे ये कहते हैं कि काइंडली प्रोवाइड मी सैंपल डेटा ऑफ स्पीकर

एजुकेशन बैकग्राउंड ठीक है परसेंटेज आर परसेंटेज एंड एंड ठीक है तो ये सारी चीजें हमने क्या कर लिया हमने सारी चीजें पूछ ली कि आप ये सारी चीजें हमें क्या कर दिए हमें प्रोवाइड कर दिए ठीक है तो वो क्या कर देगा आपको देखिए तो ये क्या कर रहा है तो ये आपको रेफरेंसेस दे रहा है डेटा प्रोवाइड नहीं कर रहा कर रहा है ठीक है अब इसने क्या कर दिया हमने पूछा कि पॉपुलेशन फ्रॉम इंडिया उन्होंने कहा नाइनटीन हंड्रेड नाइन से क्या कर दिया हमने पॉपुलेशन का एक एक डेटा हमने पूछा उससे कि डेटा बताइए तो उसने क्या द टेबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम द नाइन हंड्रेड टू द टू थाउजेंड ट्वेंटी बेस्ड ऑन द डेटा फ्रॉम यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन डिविजन ठीक है तो ये सारा क्या कर दिया सारा उसने हमें डेटा प्रोवाइड प्रोवाइड कर दिया ठीक है प्रोवाइड कर दिया अब हम ये पूछ, पूछते हैं डेटे के बाद में कि कैन यू प्रोवाइड अच रिलीजियस पॉपुलेशंस ऑफ इंडिया नंबर सेंटि ठीक है तो ये पूछा हमने तो ये पूछ लिया हमने अब उससे पूछ लिया तो अब ये क्या कह रहा है अब उन्होंने क्या कर दिया एक और हमें डेटा प्रोवाइड कर दिया वो प्रोवाइड डेटा क्या कर दिया उन्होंने कहा कि हियर द जनरल ओवरव्यू ऑफ द रिलीजियस पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑन द सेंसस ठीक है ना तो अब उन्होंने क्या क्या प्रोवाइड कर दिया हिंदुइज्म के बारे में बता दिया इस्लाम के बारे में बता दिया क्रिश्चियनिटी के बारे में बता दिया सिख के बुद्धिस्ट जैनिज्म एंड अदर एंड नॉट सी जीरो परसेंट वन परसेंट ठीक है तो अब ये जो हमारे पास डेटा आया है ना दो चीजें देखिए गूगल में सबसे अच्छा इंपोर्टेंट का चीज ये जैसे कि हमें इस डेटा को क्या करना है इस डेटा को एक्सपोर्ट करना है कैसे एक्सपोर्ट करना है हमें इस डेटा को एक होता है कॉपी करना एक होता है गूगल शीट में एक्सपोर्ट करना तो ये क्या करना है जब हम यहाँ से गूगल शीट में इस डेटा को एक्सपोर्ट करेंगे तो ये आपकी जो ड्राइव है उस ड्राइव के गूगल में आप गूगल शीट में ये क्या हो जाएगा दिस इज द Uh, क्या हो जाएगा देखिए ये डेटा पूरा यहाँ पर क्या आ गया रिलीजियस पॉपुलेशन परसेंटेज और पा... ये नंबर्स परसेंटेज में आ गया ठीक है तो ये सारा डेटा आपका आप इस तरह से इस, इस को क्या कर सकते हैं इस डेटा को आप अपने आ, आ, उसमें सेव भी कर सकते हैं ठीक है अब अब इस चीज के बारे में हमने डिस्कस किया ठीक है तो अब इस चीज के बारे में डिस्कस हमने यहां पर एक डेटा सेट ले लिया और एक डेटा सेट को हमें क्या करना है इस डेटा सेट को एक हमें 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 बताना है अपने स्टूडेंट्स को और इस डेटा सेट को हमें क्या करना है एनालिसिस करना है तो एज ए टीचर बहुत आसान तरीका है इसको एनालिसिस करने का आपने इसको इसमें लिखा यहाँ पर लिखा और लिखने के बाद करा कैन यू एन लाइसिस सेट ठीक है तो ये क्या कर देगा आपके डेटा सेट को एनालिस कर देगा ठीक है तो ये आपके डेटा सेट को क्या करेगा पूरा एनालिसिस कर देगा और आप इसमें जितने भी है ना वो सारे है तो वो सारे ऑब्जर्वेशन सा, इतने 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 लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टोटल पॉपुलेशन इतनी परसेंट मेजोरिटी ऑफ द हिंदू हिंदू इतने परसेंट माइनॉरिटी रिलीजन इस्लाम इस्लाम इतने इतने, इतने परसेंट ठीक है तो इस तरह और इस तरह से बहुत सारे जो मैथड हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं ठीक है अब एक चीज ये हो गई अब दूसरी चीज हम डिस्कस कर रहे हैं कि फॉर आपने टीचर्स आप एज टीचर्स आपने आपने स्कूल में कोई कोई चीज चीज को पढ़ाया है आपने पे कोई है ब्लैक बोर्ड लिखी और आप ये चाहते हैं कि इस ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई चीज को मैं एनालिसिस करूं कोई भी कंटेंट है वहां पर कोई भी नोट्स है उसको एनालिसिस करूं और उसको एज ए टेक्स में मैं लिख लूं तो आप उसको कैसे कर पाएंगे बहुत आसान तरीका है इस पर जब ने जब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने किया और अपने कंप्यूटर से क्या किया कंप्यूटर से को जो इमेज आपको करना है फोटो खींच फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये इमेज है ठीक है ना ये इमेज है ये इमेज क्या है हमारे पास इमेज को हम आपको क्या कर दें है ना अटके पहले हम आपको इमेज बताते थे क्या होता है ये हमारे पास ये हमने इमेज कर ली और इमेज मैं आपको यहां पर शेयर करके दिखाता हूँ ठीक है ना हमारे पास एक ये इमेज है ठीक है हमारे पास एक ये इमेज है ये ठीक है तो इसमें क्या है आर्गूमेंट ऐसे फॉर द एप मतलब जो भी ना सारा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर ठीक है तो अब हम क्या कर सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये सारा जो कंटेंट है हमारे पास इसमें जो भी कंटेंट है यहाँ पर ये लिखा हुआ है हैंड राइटिंग में तो हम क्या कर सकते हैं इस कंटेंट को हम टेक्स में कन्वर्ट करके और हर चीज को एनालिसिस कर सकते हैं ठीक है ना वो कैसे कर सकते हैं एनालिसिस कैसे कर सकते हैं वो चीज मैं बताऊंगा आपको ठीक है इसके अलावा एक और टेक्निक में आपको बताऊंगा ठीक है तो ये इस 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 पिक्चर्स को हम क्या कर रहे हैं इस पिक्चर्स को हम एनालिसिस करते हैं कि इस पिक्चर्स को हम लोग किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं ठीक है ना आ, तो हमने क्या किया इस पिक्चर्स को हमने शेयरिंग uh, से स्टॉप शेयरिंग किया और हम फिर अपने uh, कहाँ पर आ गए हम अपने प्रेजेंटेशंस पे आ गए है ना तो ठीक है तो अब हमने क्या किया हमने इसको अपलोड किया और अपलोड लिखने के करने के बाद हमने इससे पूछा कि व्हाट इज व्हाट इज इन दिस दिस इमेज ठीक है अब हमें इतना लिखना और इतना लिखने के बाद क्या होगा हमने यहाँ क्लिक किया और क्लिक करने के बाद तो क्या कर देगा ये जैमनी आई पोजिशन गैदर क्वालिटी द इमेज इज वाइट बोर्ड विदग्राम आउटलाइन ऑफ द स्टेप इन द रिटीन ऑफ द आर्गूमेंट ऐसी ठीक है, position, is, is, is diagram, argument, ऐसे है तो ये सारी चीजें उसमें क्या गया डिफाइंड टर्म दिस मीन द क्लियरली अंडरस्टैंड एक्सप्लेन टर्म ऑफ द कॉन्सेप्ट ठीक है टेक ए वो सारी चीजें उसने यहाँ पर डिस्कस कर दी ठीक है चार पांच एक दो तीन चार पाँच पॉइंट इज है ना कहाँ पर कितने पॉइंट है यहाँ पर फाइव पॉइंट है ठीक है ये फाइव पॉइंट इज ईयर कहाँ पर ये टेक ए पोजिशन गैदर डिफाइन ठीक है डील ऑफ द आर्गुमेंट ये सारी चीजें यहाँ पर उसने प्रोवाइड कर दी ठीक है ना प्रोवाइड कर दी ठीक है तो ये सारी चीजें उसने क्या कर दिया ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड कर दी और बता दिया कि ये द एड्रेसिंग द अपोजिशन पॉइंट द द मैरिड जो उसमें सब टाइटल लिखे थे वो सारे तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जो भी ब्लैक बोर्ड पर लिखा है आपने लिखा डिफाइन द टर्म द प्रमोट द मीन द क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हमने कहा कि ये जो हमारे पास जो ये जो ब्लैक बोर्ड से हमने यहाँ पर जो क्रिएट किया ना अब अब हम इसको कहते हैं कैन यू एक्स प्लान बोलो टर्म इनटू कितने इनटू फाइव हंड्रेड वर्ड्स तो अब ये क्या कर रहा है हमें एक्सप्लेन करना है या हमें कुछ और पूछना है, है तो ये क्या कर देगा आपको ये सारा फाइव हंड्रेड वर्ड्स में उसको अंडरस्टैंडिंग द टर्म पूरा एक एक चीज आपको उसने क्या कर दिया डिस्कस द द ऑफ सोशल मीडिया ऑन रिलेशनशिप ये बता दिया इस तरह का एग्जाम्पल हो सकता है पूरा एक तरीके से आपको एक फाइव हंड्रेड वर्ड्स में पूरा एक ऐसे टाइप से आपको लिख कर दे दिया ठीक है लिख कर दे दिया ठीक है ना तो ये ये चीज हो गई अब फॉर एग्जाम्पल आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं इसके अलावा कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई एक ऐसी इमेज है जिसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने हमने यहां से कोई एक इमेज ली और इमेज क्या है इमेज है इमेज हमारे पास कोई एक प्लांट है ठीक है ये प्लांट है एक प्लांट की इमेज है और इस प्लांट की इमेज क्या है ये प्लांट है और इस प्लांट की इमेज दी गई है ना आप लोगों को ठीक है ये प्लांट है अब इस प्लांट की इमेज को आप पहचान नहीं पा रहे कि कैसे पहचाने कैसे जाने के कोई इमेज में क्या चीज है तो आप क्या कर सकते हैं जैमनी आई टेल यूट एक्सैक्टली व्हाट इज इन दिस प्लांट तो हम क्या कर सकते हैं वॉट इज वॉट इज इन This plant. Now we what is what is in this image, get okay. Can you can you can you analyze of this image and Tell me what is what is the medicinal use of this plant? Okay. Finally, finally provide me some data. आपनेट लिख दिया अब इससे पूछा ये क्या कह रहा है देखिए आपको क्या बता रहा है ये आपको अब ये एनालाइज द इमेज ऑफ द आइडेंटिफाई दैट

एंटी इन्फ्लेशन एक्टिविटीज क्या है एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज क्या है पोटेंशियल ऑफ द बहुत सारी चीजें आपको पूरा डेटा आपको प्रोवाइड कर दिया ठीक है अगर हम इसी चीज में जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा तो हम लोग इसको शॉर्ट शॉर्ट बता रहे हैं कि किस तरह से आप जेमनी आई का यूज कर सकते हो ना बहुत सारी चीजों में हर प्रॉम्प्ट में आप इससे कोई लिखवा सकते हैं कि कर ली राइट अब हम इसके बारे में ये प्लांट के बारे में बता काइंडली जनरेट क्या करना है काइंडली जनरेट द ट्वेंटी एम सी क्यू है एम सी क्यू विथ आंसर आंसर किस चीज के ठीक तो है तो अब हमने क्या टॉपिक से किया तो उसने क्या कर देगा ये आपको ट्वेंटी एमसीक्यू विद आंसर क्रिएट करके दे देगा पूरा क्रिएट करके दे देगा पूरा ठीक है ये क्या है कैसे काम करता है ठीक है क्या करता है ये पूरा एक एमसीक्यू आपको क्रिएट करके दे दिया ठीक है ना अब उसने ये क्या कर दिया आंसर आपको प्रोवाइड करके दे ना? आंसर क्या कर दिया ठीक ये सारा आंसर और चाहे तो आप आंसर के नीचे भी लिख लिखवा सकते तो तो चीज बना ली और दूसरी चीज दूसरी चीज क्या फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई जैसे कि हमारे पास हमने कोई एक गूगल फॉर्म बनाया या हमारे पास कोई ऑनलाइन हमारे पास डेटा आया कि फॉर एग्जाम्पल डेटा कैसे आता है हमारे पास कि हमने हमने एक आ, डेटा सेट अपना हमारे पास एक डेटा सेट है ठीक है ना हमारे पास डेटा सेट कहाँ गया कहा गया वो किधर गया हमारा ठीक है अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक डेटा सेट है वो डेटा सेट क्या है कि हमने कहा कि फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया हमने यहाँ पर एक एग्जाम कंडक्ट किया और एग्जाम में गूगल फॉर्म में एग्जाम कंडक्ट किया और एग्जाम कंडक्ट करने हमने ट्वेंटी क्वेश्चन यहाँ पर दिए ठीक है ट्वेंटी क्वेश्चन करने के बाद लोगों ने वहां पर एग्जाम दिया और एग्जाम देने के बाद यहाँ पर लोगों का क्या आया लोगों का रिजल्ट आया ठीक है ना लोगों का रिजल्ट आया अब हम क्या कर सकते हैं हम जेमनी आई से कह सकते हैं ये तो मतलब फीडबैक वाला जेमनी आई से क्या कह सकते हैं जेमनी आई से हम कह सकते हैं अब हम उससे ये जो हमने डेटा हमने यहाँ से प्रोवाइड किया और हम जे आई सी करते हैं काइंडली प्रोवाइड मी नहीं काइंडली एंड लाइस इज इस डेटा सेट एंड रो वाइड मी क्या क्या प्रोवाइड करना प्रोवाइड मी नहीं नॉट प्रोवाइड मी डेर सेट एंड राइट विच इज कॉस टू वॉक वॉट राइट और डेटा ठीक है तो अब हमने क्या क्या ये कर दिया देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डेटा सेट है डेटा सेट क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ, ओके 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 मैं कर रहा हूँ कर रहा हूँ अभी हो सकता है शेयर नहीं हो रही है ना ओके हो रही है इसके अब हमें क्या करना है विच द फर्स्ट फ्रॉम द बॉटम तो हमने क्या किया बॉटम तो फर्स्ट पूछ लिया ये सारी चीजें वो पूरा एक मतलब एक टेबल में तो दे देगा इसके अलावा इसके अलावा हमने एक यहां से एक और आ, तो अब हमने क्या किया कि जब हमने उससे ये पूछ लिया और उस, उससे पूछने के बाद उससे पूछने के बाद क्या किया हमने उससे पूछ लिया और हमने उससे पूछने के बाद क्या किया फर्स्ट टू बॉटम इफ इफ देयर इज देयर इज क्या है अब इफ देयर इज अब क्या कर देगा वो इसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग क्या कर देगा आपके डेटा को परसेंटेज को बता देगा ग्रेड को बता देगा कि इतने परसेंटेज आया तो इतना ग्रेड इतने परसेंटेज आया तो हमने इसको एनालिसिस किया एनालिसिस मतलब आपने इसको क्या कर दिया अब देखिए अब उसने क्या कर दिया हमें आ, पूरा पूरा मतलब बता दिया उसने कि कितने परसेंट कितना कितना परसेंट कितने का आया ठीक है ए प्लस इसका का नाइनटी फाइव परसेंट वन परसेंट नाइनटी फाइव परसेंट ये पूरा उसने हमें कर दिया यानी रिजल्ट हमने अब हम रिजल्ट एनालिसिस करने के बाद द स्टूडेंट विद मार्क ए प्लस नाइन्टी नाइनटी फाइव पॉइंट टू थ्री परसेंट ठीक है ना अब हम इससे ये कहेंगे काइंडली काइंडली राइट है ना तो हमने ये कर दिया कि भाई इसमें स्टूडेंट का नाम भी शीट में करो तो वो क्या कर देगा आपको देखो अब उसने क्या कर दिया अब उसने अब उसने जो डेटा प्रोवाइड किया वो डेटा प्रोवाइड किया किसके हिसाब से जो ग्रेड दिया है आपको वो मतलब जिस हिसाब से जो लिस्ट थी उस इस हिसाब से उसने डेटा को आपके डेटा को प्रोवाइड कर दिया लेकिन यहाँ पर क्या डेटा आया था यहाँ पर डेटा फर्स्ट फ्रॉम डाउन आया था ठीक है ना तो ये चीज हो गया अब हमने इससे पूछ लिया फिर से के राइट के, ऑल डेटा फ्रॉम फर्स्ट टू फर्स्ट टू बॉटम ठीक है तो हमने क्या कि फर्स्ट टू बॉटम लिखना है इस डेटा को तो अब उसने क्या कर दिया अब उसने क्या कर दिया अब उसने यहां पर कर दिया कि फर्स्ट टू बॉटम यानी कि जो सबसे ऊपर था 100%, 100%, 95%, 95 और उसने ग्रेड 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 भी प्रोवाइड कर दिया कि इसका इसका कितना कितना है इसका कितना है अकॉर्डिंग जो डेटा हमने यहाँ पर ग्रेड का डेटा यहाँ पर इंसर्ट किया था कि ए प्लस एट्टी टू हंड्रेड परसेंट ए प्लस सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट ए और बी बी का फोर्टी टू नाइनटी परसेंट और सी का थर्टी टू थर्टी नाइन परसेंट ग्रेड होगा तो इनको हमें इसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्रेड प्रोवाइड कर सकते हैं ठीक है ना तो अब उसने एक तरह से हमें यहाँ पर सारा ग्रेड प्रोवाइड कर दिया उसके अलावा उसने क्या कर दिया यहाँ पर बता दिया कि नाम स्टूडेंट्स का ये है ग्रेड ये है और इतने परसेंटेज इसके मार्क्स हैं टोटल है ना इतने परसेंटेज मार्क्स टोटल है ये सारी चीजें उसने क्या कर दी इसने यहाँ पर ये सारी चीजें हमें बता दी तो ये इस क्या कर दिया हम कोई सी भी किसी भी रिजल्ट किसी भी रिजल्ट को किस तरह से गूगल गूगल uh, की जैमनी आई की मदद से इस तरह से हम किसी भी गूगल को क्या कर सकते हैं हैं एनालिसिस कर सकते ठीक है ना तो ये हो गया अब इसी पर ही अटके रहेंगे हम लोग दूसरी चीज पर जाएंगे ठीक है दूसरी चीज क्या कौन सी है दूसरी चीज हमारे पास क्या है चैट ट्यूब ट्यूबीआई तो चैट ट्यूब ट्यूबीआई का क्या यूज होता था चैट ट्यूब आई का यूज हो ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि अभी आपको क्या करना होगा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी ट्यूब है ट्यूब कोई ट्यूब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको किसी भी डेटा के बारे में करना है कि आपको जानना है कि हाउ टू हिस्ट्री ऑफ आपने हिस्ट्री ऑफ मतलब इंडिया के बारे में आपने यूट्यूब पर सर्च किया ठीक है और हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में बहुत सारे आपके पास क्या आ गए यहाँ पर दियर इज द लॉर्ड ऑफ द वीडियो इज और अगर आप चाहते कि यार ये वाला वीडियो जो है ना बहुत अच्छा है और इस वीडियो को हम क्या कर सकते हैं और इस वीडियो को हम सुनने का हमारे पास टाइम नहीं है हमें तो लिखना है तो हमें इस वीडियो को ओपन करना है और ओपन करने के, के बाद जो भी इस वीडियो का तो हमारे पास मतलब तो जैसे कि फॉर एग्जांपल जो जो भी लिंक है फॉर एग्जांपल इस वाले लिंक को हमने यहाँ से यहाँ से इसको कॉपी किया कॉपी करने के बाद क्या कर दिया कॉपी करने के बाद हमने ट्यूब पे गए और ट्यूब पे जाके इसको हमने चैट पे क्लिक किया और चैट में क्लिक करने के बाद जो वीडियो हम वहां पर देख रहे थे वो वीडियो अपलोड हो रहा था वीडियो यहां पर आ गया वो है ना जब ये वीडियो तो यहां पर आ गया तो आ, आ गया और अब इसके ये वीडियो क्या है कैसा है हमें पता नहीं है तो वैसे हमें पता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो हम क्या करते हैं समराइज द चैट तो अब ये क्या कर देगा आपको ये बता देगा कि एग्जैक्टली वॉट इज इन दिस वीडियो तो ये बता दिया द वीडियो प्रेजेंट द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया ट्रेसिंग द ऑरिजिनल बैक ऑफ द सिविलाइजेशन सच द पीपल्स एंड वैदिक आर्यन इट इज एंडलाइटेड द हिस्टोरिकल माइलस्टोन ये पूरा डिस्कशन बता दिया उसने और फिर उसका इंडिया फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द 1947 द टेक्स्ट प्रोवाइड द कॉम्प्रिहेंसिव देंसिव ऑफर इंडिया हिस्ट्री डिटेल ऑफ द अब 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 जैसे कि फॉर एग्जांपल जब ये आ गया तो हम हाँ हमने क्या किया हमें टीचिंग के लिए चाहिए फॉर एग्जाम्पल इसमें से हमें हमें चाहिए हमने उससे कहा हमें हमें कहा राइट लेसन प्लान लेसन प्लान ठीक है हाँ हम हमने कहा कि इससे हमें लेसन प्लान लिख दो ठीक है तो वो क्या कर देगा आपको इसका पूरा एक लेसन प्लान क्रिएट करके दे देगा जो जो इस वीडियो में अवेलेबल होगा

generate 10 MCQ related to this video तो वो क्या कर देगा आपको MCQ क्रिएट करके दे देगा मतलब जो भी आप चाह रहे हैं ना वो सारी चीज आपको यो ये इस, इस मतलब कंटेंट से आपको प्रोवाइड कर देगा हाउ डिट ट्रे आप, अब आपने कहा कि भाई एक एक और चीज पूछना जैसे कि देखा समीमेड इज here हाउ ड्रेड इन्फ्लुएंस कल्चर एक्शन अब ये क्वेश्चन है कोई चाहिए, कोई में कोई चाहिए, तो वो आपको, तो आपको प्रोवाइड करके दे दिया प्रोवाइड करके दे दिया सारी थिंग एवरी थिंग इज य ट्रेड पे द सिग्निफिकल्चर एक्शन ऑफ द एंशियंट ऑफ इंडिया इकोनॉमिक इकोनॉमिक इंटर इंटरेक्शन रिलीजन कल्चर है ना ठीक और, और अब, अब और, 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 मतलब और उन्होंने क्या कर दिया और सारी चीजें आपको एक प्रॉम्प्ट बना के दे दिया वॉट आर द रोल ऑफ द मोरियन एम्पायर प्ले इन द इंडियन हिस्ट्री तो आपने ये क्लिक किया तो वो सारी चीज जो जो इसमें अवेलेबल है वो सारी चीज आपको क्रिएट करके दे देगा ठीक है तो ये क्या है ये चैट ट्यूब नाम से एक ए आई टूल से जो आपकी मदद करता है जो किसी भी वीडियो के को कंटेंट में एक्सैक्ट करने के लिए और यू कैन आज आप आ, कुछ भी आज मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं ना इसके अलावा क्या कर सकते हैं इसके अलावा इसके अलावा समराइज कर सकते हैं है ना इसको ट्रांसक्रिप ट्रा, ट्रांसक्रिप्ट कर सकते हैं इसके बाद सब्सक्राइब है, है कॉपी कन्वर्सेशन और इसके बाद कॉपी लिंक टू द शेयर है ना इसके इसकी इसकी इसको, इसको क्या करते हैं इसके इसके लिंक को शेयर इसको कहीं भी शेयर कर सकते हैं ठीक है ठीके ना ठीक है ये हो गया अब इसके अलावा ये चीज समझ में आ गई होगी क्योंकि हम लोग इसमें अटकेंगे तो तो एक में तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है इसीलिए हम लोग जल्दी जल जल जल्दी करते हैं ठीक है ठीके? एक ये हो गया अब दूसरा क्या है दूसरी चीज हमारे पास है मैजिक स्कूल है तो मैजिक स्कूल एआई बेसिकली क्या करता है मैजिक स्कूल एआई को हमने लॉग इन किया लॉग इन करने के बाद इस तरह का हमारे पास एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा मैजिक स्कूल ए आई का ठीक है अब इसमें है क्या अब इसमें क्या है इसमें इज अ लॉट ऑफ द ऑप्शन क्या क्या ऑप्शन है देखिए हमें ये यहाँ से प्रोफेशनल ईमेल ठीक है अब दो चीज है इसमें ये स्टूडेंट्स के लिए भी है और किसके लिए भी है और टीचर्स के लिए है अब इसमें कौन क्या यूज करेगा ये डिपेंड ऑफ यू आपको रिकमेंडेड फॉर यू ठीक है रेड लेटर रिकमेंडेशन चैट विद डॉग राइटिंग ये सारी फैसिलिटी टेक्स्ट विशन सोशल मीडिया पोस्ट जनरेट मूल रिकमेंडेशन ठीक है इमेज जनरेटर प्रेजेंटेशन जनरेटर टेक्स टाइटल लेसन प्लान मल्टीपल मतलब जो बहुत सारी चीजें वर्कशीट जनरेटर है ना रिपोर्ट कार्ड कमेंट टेक्स एकेडमिक कंटेंट इंफॉर्मेशनल प्रोफेशनल प्रोफेशनल ईमेल यूट्यूब वीडियो क्वेश्चन यह रूब्रिक जनरेटर समराइजर टैक्स प्रूफ फ्रीज रीडर टैक्स डिपेंडेंट क्वेश्चन टैक्स ट्रांसलेशन आई ई पी जनरेटेड आई पी मतलब इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम का जो था उसके अकॉर्डिंग यूनिट प्लान ठीक है, यूनिट, बहुत सारे है इसको आप यूज कर सकते लेकिन हम सारी चीजों को यूज नहीं करते फॉर एग्जाम्पल हमने कोई यूनिट यूनिवर्सिटी लेवल अब क्या है हमारे क्या है मतलब किसने फाइव स्कूल डेज ठीक है अब किस किसी पर करना है फॉर एग्जाम्पल हमने कहा सिस्टम इन इंडिया पर हमने क्या कर दिया हमने एक एक यूनिट को प्लान कर लिया कास्ट सिस्टम इन इंडिया पे हमने कहा कि कास्ट सिस्टम इन इंडिया पे हमें क्या करना है यूनिट प्लान करना टाइटल हमने डाल दिया ऑप्शनल जो भी अगर आप चाहते हैं यहां पर ऑप्शनल डाल सकते हैं स्टैंडर्ड सेट अलाइन जो भी आप किसी भी लाइन में चाहते हैं वो कर सकते हैं ये सारी चीजें डाल सकते हैं या फिर आप यू विदाउट ये आप जनरेट कर सकते हैं ठीक है थीके? तो हमने जब यूनिट प्लान जनरेट करवाया इससे ठीक है ना यूनिट प्लान जनरेट करवाया तो ये क्या कर दिया द इंट्रोडक्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम पूरा ऑब्जेक्टिव सजेशन पूरा उसने क्या कर दिया यहाँ पर यहाँ पर यहाँ, पर, यहाँ सारी चीजें यहाँ पर उसने पूरा एक यूनिट प्लान क्या कर दिया यूनिट प्लान उसने क्रिएट करके दे दिया ठीक है जब यूनिट प्लांट क्रिएट करके दे दिया तो अब हम क्या कर सकते हैं हम कर सकते हैं इससे कुछ और भी पूछ सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुंटरेक्टिव एक्टिविटी फॉर द डे डेथ स्टूडेंट ठीक है ना तो अब ये क्या कर रहा है इसके इस इन, इन प्रॉम्प्ट के जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें इसका प्लस वर्जन यानी कि हमें इसका क्या करना पड़ेगा इसका हमें सब्सक्रिप्शन uh, लेना पड़ेगा ठीक है ना तो एक ये हो गया ठीक है अब इसमें यूनिट रहा है इसी तरह से हम लोग कुछ भी देते फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देयर इज अ टैक्स जनरेट जनरेटेड तो हम क्या कर सकते हैं ये हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेट टू ठीक है ठीक है हम क्या कर सकते हैं स्पेनिश है Spanish, इसमें कर सकते प्लीज पेस्ट द टैक्स यार तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कुछ टैक्स पे यहाँ पर लेकिन जो जनरेट होगा ना इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो नहीं है लेकिन ये क्या सिर्फ ये इसी में जनरेट होगा किसमें इस पहने, जो मतलब जो भी आप करना चाहते थे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कंटेंट है और ये कंटेंट क्या है हमारे पास दिस इज द कंटेंट इज यर हमारे पास ये कोई कंटेंट है ठीक है ना इस कंटेंट को हमने क्या किया यहां पर किया और यहां से किया ठीक है ना हिंदी तो ये क्या कर दिया देखिए पूरा आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता ये क्या कर दिया पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दिया और क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर यहाँ पर क्या करता है एक्शन एक्शन मतलब जैसे कि अगर आपका प्रीमियम वर्जन है तो यहाँ पर उसको ज्यादा लिखा सकते हैं कम लिखा सकते हैं जो भी चाहे जो मतलब जो भी चाहे कर सकते हैं ठीक है रीड अलाउड कर सकते हैं मोर कर सकते हैं कॉपी कर सकते हैं और इसको एडिट भी कर सकते हैं एडिट मतलब जो भी अगर आप चाहे इसमें जो भी चाहे इसमें आप फेर बदल कर सकते हैं वो भी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है मैजिक स्कूल ठीक है इसके अलावा क्या है इसके अलावा मैजिक स्कूल क्या प्रोवाइड करें सोशल मीडिया पोस्ट भी चैट विद द डॉग चैट विद डॉग क्या है चैट विद डॉग डॉग क्लिक किया जो भी आपके पास है है ना यहाँ पर यहाँ पर आपको क्या करनाट एज सेकेंड डॉक्यूमेंट ऑप्शन ठीक है तो यहाँ पर क्या कोई भी डॉक्यूमेंट है उसके बारे में आपको चैट करना है तो यहाँ डॉक्यूमेंट या आपका आपका क्या करना है कि फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से या तो या तो यहाँ तो पर अपलोड कर ले यहां पर इसका कंटेंट ले ठीक है ना कंटेंट ले ले, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा हमने कोई भी डेटा ले लिया जो डेटा हमारे पास होगा ठीक है फॉर एग्जाम्पल हमने कोई ये डेटा ये यहां से ले लिया डेटा क्या है हमने ये डेटा ले लिया यहाँ ठीक है और डेटा ले लिया या फिर जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं आप डॉक्यूमेंट डेटा लिया हमने यहाँ हमने प्रेस किया और हमने यहाँ पर इंसर्ट जनरेट कर दिया ठीक है ये क्या कर दिया पूरा ये सारी चीजें बता दी आई अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम पूरा व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ द है ना तो हम इसके साथ चैट भी कर सकते हैं चैट क्या कर सकते हैं फॉर एग्जांपल आप ये कंटेंट के बारे में आप पूछ लेना कि व्हाट इज हमने पूरा व्हाट इज ई डब्ल्यूएस तो वो क्या कर देगा आपको बता देगा ई डब्ल्यूएस क्या है इस कंटेंट के अकॉर्डिंग ठीक है ये रिलेटेड So, I apologize for the confusion. What is the document mentions EWS? It does not provide the definitions. Hai na? EWS is stand for the Economic weaker Section. This category of the जो document में दिया वो पूरा discussion कर देगा ना chat का मतलब कर देगा. For example, हमने पूछा what are the main source of the data studying in the Economic weaker Section? हमने ये वाला किया. हमने इसके बारे में पूछा. तो ये क्या है देखा? आपको क्या कर देगा? ये आपको पूरा create का बता के दे देगा. ठीक है ना? तो ये क्या है? तो पूरा उसने जनरेट करके दे दिया ये क्या है क्वेश्चन के बारे में क्या ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे दिया ठीक है इसके अलावा और इसके अलावा बहुत सारे है ना गेट मोड रिकमेंडेशन ठीक है इमेज जनरेटर इमेज जनरेटर भी है ये इमेज जनरेटर कोई भी इमेज आपको क्रिएट करना है यहाँ से है ना इमेज क्या क्या यहाँ पर आपने क्या किया यहाँ पर आपने इमेज जनरेटर क्या है ये इमेज जनरेटर टेक्स टू इमेज ठीक है तो या फिर अपलोड इमेज अपलोड इमेज का तो टेक्स टू इमेज क्या है अब आपने फॉर एग्जाम्पल Uh, क्या कर दिया यहाँ से देखिए मैं ये खोल रहा फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास मेक स्कूल मैजिक ना हो अब ये ये कह रहा है कि जो इसको विद द एडोब ये पैसे पैसे का फंक्शन पैसे वाला है इसमें पैसे पैसे चाहिए है। तो ये वाले को हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये पैसे वाले का लेकिन जब आप पैसे दे देंगे दे दे तो इसको क्योंकि इन्होंने ये यहाँ से इंटीग्रेट किया है किससे ओपन ही आई ठीक है तो ये वाला फीचर हम यूज नहीं कर पाएंगे ठीक है ना इसके अलावा क्या प्रेजेंटेशन जनरेटर ये भी पैसे वाला होगा टेक्स्ट राइटर है ना आ, लेसन प्लान रिपोर्ट इंफॉर्मेशन रिब्रिक जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है कि आप एक एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोफेशनल ईमेल के आप अपने बच्चों के बारे में प्रोफेशनल ईमेल रेस्पोंडेंट कोई ईमेल लिखना चाह रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं जनरेट द प्रोफेशनल ई मेल कम्युनिकेशन कलीग टू द प्रोफेशन फॉर एग्जाम्पल आपने लिखना चाह रहे हैं नेम क्या है आपके किसी उसका नाम है फॉर एग्जाम्पल रिक्चा आपके किस कलीग का नाम है और यहाँ पर क्या लिखना चाह रहे हैं उससे क्या ना बस थोड़ा सा थो वर्ड लिखना है uh, uh, किसके बारे में कि जैसे कि आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं created about 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 lalib what is uh, ठीक है आप किसी के बारे में जा रहे हैं तो तुरंत आपने जनरेट करके दे देगा ये प्रोफेशनल ईमेल ठीक है ना प्रोफेशनल ईमेल आपको क्या कर देगा ये आपको प्रोफेशनल ईमेल जनरेट करके दे देगा तुरंत ठीक है ना तो अब ये क्या कर दिया ये फीडबैक ललित क्लासरूम पूरा ये ना ऑफ दिस मैसेज द फाइन हमने दो वर्ड लिखे दो वर्ड लिखने के बाद ये पूरा उसने एक क्या करके करके दे दिया ईमेल जनरेट कर कर दे दिया तो प्रोफेशनल ई है ठीक है यहाँ पर इस पर क्या कर सकते हो आप कोई भी कर सकते हो लेकिन इसके लिए आपको प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा ये हम लोग फ्री वाला वर्जन यूज कर रहे हैं ठीक है ना तो अब इसके अलावा क्या है इसके अलावा क्या है जैसे कि रिपोर्ट कार्ड कमेंट तो यहाँ पर क्या रिपोर्ट कार्ड कमेंट इज आल्सो इज देयर अब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट प्रोनाउंस है ना ही शी वो को, जो भी है जैसे कि ही है ना एरिया ऑफ द स्ट्रेंथ वो सारी चीज आप एरिया ऑफ द ग्रोथ किसमें करना चाहिए क्या है रिपोर्ट कार्ड क्या है फॉर एग्जाम्पल ही मैथ्स ठीक है जो भी आप लिखना चाहते हैं यार एरिया ऑफ द इम्प्रूव शोर सर साइंसेस ठीक है तो वो क्या कर देगा आपको एक रिपोर्ट कार्ड बना के दे देगा कि इसमें ये प्रॉब्लम है और इसमें ये, uh, generate, तो रिपोर्ट stand, ये पूरा दे दिया अपॉर्चुनिटी फॉर द ग्रोथ सोशल साइंस रूम डीपर कम्पेरिजन ऑफ द मटेरियल इंगेज इन ये आपको जो भी आप जो भी के आएंगे वो सारी चीजों का आपको क्या कर देगा आपको उसका आ, आ, रिजल्ट बता देगा ठीक है है ईमेल फैमिली फैमिली को ईमेल करना है जैसे कि फॉर्म फैमिली को ईमेल करना है तो आप यहाँ पर जिसको भी पीएम जिस तरह से वहां पर कर दिया था उस तरह के आप फैमिली को ईमेल करके आप क्या कर सकते हैं यू कैन ये यू कैन इन्फॉर्म यू कहते क्या कि योर स्टूडेंट नेम क्या है ऑथर नेम रिचा स्टूडेंट नेम क्या है ललित इज इस... Lalit is not good for math and and he is very नोट भी ठीक है आप इतना लिख दिया आप इतने में लिख दिया तो ये क्या कर देगा आपका पूरा ये जनरेट करके दे देगा स्पेलिंग गलत है कुछ है कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको एक्यूरेट जनरेट करके देगा ठीक है ना तो आपने क्या किया दो वर्ड लिख दिए दो वर्ड में क्या लेगा सब्जेक्ट अपने था ललित प्रोग्रेस अब ये क्या है Uh, thank you for the continued supporting. I want to the share the some observations about the Lalit progress in the class. Currently, he is the facing the challenge in the math. I believe he did additionally support to the improve. Additionally, I have noticed that he has been quiet. एनर्जेटिक्लास इज द डिफिकल्टी फ्रॉम आप उस फैमिली को लिखना चाहें जैसे लड़के के बारे में स्टूडेंट के बारे में यू कैन राइट फ्रॉम दिस दिस इज द मैजिक टूल इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हर चीज एवरी थिंग इज इज यनरेटर ठीक है स्टैंडर्ड अपडेट और यूट्यूब विडियो समराइजर ठीक है मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस है ना टीम बिल्डर जो पार्टी रिव्यू गेम सोशल स्टोरीज थैंक्स नोट मैथ टीचर ऑफ मैथ स्पाइरल रिव्यू ठीक है डेटा एनालिसिस डेटा यू कैन यू कैन डू द डेटा एनालिसिस फ्रॉम रियल वर्ल्ड कनेक्शंस

रिकमेंडेशन बहुत तो सारी चीजें यहाँ पर एवरी और इसके अलावा इन्होंने एक फैसिलिटी दी है जिस तरह से चैट जीपीटी फैसिलिटी यहाँ से आप यू कैन आज देशन रहना से आप क्या पूछ सकते हैं राइट राइट प्रोवाइड मी सम तो आपने ये क्या हिस्ट्री के बारे में पूछ रहा तो ये क्या कर देगी रहना तो इसका एक रहना फीचर दिया है चैट जीपीटी की तरह रहना बिल क्या करेगा रहना बिल भी आपको बहुत सारी बुक्स का ना क्या कर देगा प्रोवाइड कर देगा सारी चीज प्रोवाइड कर देगा ठीक है है ना प्रोवाइड मी वेब आल्सो तो आपसे क्या वेब लिंक आल्सो तो वो वेब भी आपको प्रोवाइड करके दे देगा ठीक है ना तो ये कह रहा है आई एम अनेबल टू एक्सेस द वेब राइट नाउ आई कांट प्रोवाइड द स्पेसिफिक वेब लिंक विच इज ये वेब प्रोवाइड नहीं करता रहा वेब लिंक नहीं मैंने कर रहा ठीक है <coughs> क्या है ऑनलाइन रिकमेंडेशन देखो क्या क्या है ऑनलाइन रिकमेंडेशन से पूरा दे दिया कि आप इन चीजों को इन सारी चीजों को आप ऑनलाइन दे, देख सकते ठीक है तो ये हो गया हमारा ये क्या हो गया ये हमारा गया, ये बहुत है ना मैजिक इसको इस तरह के बहुत सारे टूल्स है लेकिन हम लोग बहुत सारे टूल्स को नहीं डिस्कस कर ठीक है तो हम इसको यहीं पर ही स्टॉप करते हैं और इसके अलावा फिर हमारे हमारे के पास है, हमारे पास है टू इज द आई ठीक है तो बैपी के आई क्या है बैपिक के आई बारे में हमने जो कल डिस्कस किया था उसी तरह का ये ये वैपिक ए आई ठीक है ना अब वैपिक ए आई क्या है फॉर एग्जाम्पल हमने बैपी के आई खोला यहाँ पर प्रेजेंटेशन है गेट द स्टार्ट पे गए और गेट स्टार्ट पर जाने के बाद यहाँ पर क्या है यहाँ पर हमने कोई भी के फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दिया तो कास्ट सिस्टम इन इंडिया है कास्ट सिस्टम इन इंडिया के हमने कहा हमने यहाँ पर एक, करना यहां पर एक आ, क्या करना है हमें यहाँ पर एक अः क्या करना है प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है वहां पर में स्लाइड का क्या था वहां पर प्रेजेंटेशन में स्लाइड था से से। लेकिन यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं यू कैन क्रिएट यर बहुत सारे स्लाइड्स क्या हो सकते हैं बहुत सारे बीस स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हैं आप यहाँ ठीक है तो हम बीस तो नहीं करेंगे हम हम दस ही कर ले पंद्रह कर लेते हैं ठीक है तो अब हमें यहाँ पर क्या करना, स्टाइल करना है स्टाइल चूज करना है किसान सिंपल ब्लैक स्टाइल लिविंग mm -hmm. स्टाइल एलिगेंट स्टाइल कोई से भी स्टाइल आपको यहाँ पर चूज कर लेना फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर सिंपल ब्लैक स्टाइल चूज कर लिया ठीक है सिंपल ब्लैक स्टाइल चूज कर लिया और हमने यहाँ से जनरेट द पर क्लिक ठीक है कहाँ पर किया जनरेट द के लिए अब ये क्या कह रहा है अब ये कह रहा है लॉग इन कीजिए आप ठीक है तो हमने लॉग इन कर लिया जो भी हमारा लॉग इन होगा वो वहाँ पर लॉग इन हो जाएगा ठीक है हमने यहाँ पर क्या कर लिया हमने यहाँ से उससे लॉग इन कर लिया ठीक है तो ये लॉग इन होने के बाद क्या हो रहा है ठीक है तो ये क्या हो रहा है ड्यूरिंग द जनरेशन योर आई प्रेजेंट इंश्योर द टैक्स इमेज एक तो ये क्या हो रहा है ये प्रेजेंटेशन जनरेट हो रहा है हमने सिर्फ यहां पर क्या दिया था वहां पर हमने सिर्फ और एक ही एक ही टॉपिक दिया था क्या टॉपिक दिया था ठीक है तो तो अब कास्ट सिस्टम इन इंडिया तो पूरा क्या कर दिया उन्होंने हमारे फिफ्टीन जो स्लाइड्स को क्रिएट कर दिया यहाँ से फिफ्टीन स्लाइड्स को हमने क्रिएट कर दिया ठीक है अब हम यहाँ से क्या कर देंगे यहाँ से इसे प्रेजेंट करके देख लेंगे ठीक है देखिए फॉर एक्साम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया हिस्टोरिकल रूट एंड मॉडल इम्प्लीकेशन ठीक है ना अब देखिए इंट्रोडक्शन तो कास्ट सिस्टम इन इंडिया पूरा कास्ट सिस्टम के बारे में बता दिया ठीक है हिस्टोरिकल ऑरिजिन बता दिया द दरिजिन ऑफ द कास्ट सिस्टम और पूरा यहाँ पर उन्होंने पिक्चर्स भी बता दिए ठीक है इसके अलावा क्या था टर्म्स टू एक्सप्लेन अंडरस्टैंड द कास्ट सिस्टम ऑफ द रिकार पूरा मतलब कहने का मतलब इलेट्रेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ये और यहाँ पर इन्होंने एक पिक्चर्स प्रोवाइड कर दी ठीक है इसके अलावा कॉलोनिकल इम्पैक्ट क्या है वो पूरा ब्रिटिश कॉलोनी का रूल सिग्निफिकेंट द इंपैक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया बाय इंट्रोड्यूसिंग द लीगल लीगल क्लासिफिकेशन ऑफ द कोड द कास्ट आइडेंटिटीज ठीक है in India, uh, class, uh, code, ना इसके अलावा उन्होंने किया इंडिपेंडेंट चेंजेस आफ्टर द इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंस 19 47 कास्ट सिस्टम वॉज द चैलेंज चैलेंज द्रू द कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म एम टू द प्रोमोटिंग सोशल इक्वालिटी पूरा उन्होंने क्या कर दिया आपको दे दिया ठीक है ना इसके बाद क्या है कास्ट एंड पॉलिटिक्स के बारे में बता दिया उसके अलावा कास्ट इन एजुकेशन बता दिया द कास्ट सिस्टम ऑफ द एजुकेशन इन इंडिया वाइल दफॉर्मेटिव एक्शनिटी फॉर द लोअर कास्ट डिस के बारे में भी बता दिया और फिर मॉडर्न मूवमेंट के बारे में बता दिया और ग्लोबल परस्पेक्टिव के बारे में भी बता दिया और इसके अलावा इसके अलावा क्या बता दिया इसके अलावा फ्यूचर ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया पूरा सब कुछ बता दिया ये ठीक है ये सारा यहाँ से क्या हो गया फिर कंक्लूजन बता दिया न कास्ट सिस्टम इन इंडिया रूटेड सोशल स्ट्रक्चर विद द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एंड मॉडर्न इंप्लिकेशंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स इन वाइटल एड्रेसिंग सोशल इनइक्वालिटीज एंड एंड फोस्टिंग द मोर इंक्लूसिव सोसाइटी ऑफ द कंटेम्पररी इंडिया ठीक है उसके बाद क्या कर दिया उसके बाद आपको थैंक्स कह दिया के बाद आप क्या कर सकते हैं आप यू कैन चेंज यूज को दूसरी चीज ये कि जो भी आपका पास तैयार हुआ अब यहां पर you check, you यहां पर जिस तरह से एआई में हम ए आई टूल्स का यूज कर सकते थे और बहुत सारे टूल्स का यूज कर सकते हैं हम वैपिक ए आई में भी वही कर सकते फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ए आई राइटर है ठीक है आपने ए आई राइटर से कहा कि रीराइट रीराइट द टेक्स्ट तो आप वो क्या कर देगा आपकी टेक्स्ट को रीराइट कर देगा या फिर या क्या रिफ्रेश द कंटेंट या कंटेंट को रिफ्रेश कर देगा ठीक है ना या फिर मैं के शॉर्ट डर इसको क्या कर देगा आपको शॉर्ट कर देगा या फिर आप क्या करना चाहे मै के लॉन्गर चेंज टॉन चेंज करना चाहते हैं आप इसमें क्या प्रोफेशनल चेंज किया ठीक है प्रोफेशनल चेंज कर, कर देगा टॉर्न जो भी आप करना चाहते हैं वो सारी चीजें आपका कर देगा हर स्लाइडे यही होना है ठीक है यहाँ पर भी जिस तरह से उसमें यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इस पिक्चर्स को चेंज क्या कर सकते हैं यू कैन चेंज द पिक्चर्सर यहाँ से ले सकते हैं यहाँ पर क्या है यहाँ फोटो इज हियर ऑल्सो ठीक है फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर क्या किया हमारे पास बहुत सारी पिक्चर्स यहाँ पर अवेलेबल या फिर इसके अलावा जो भी कंसर्न पिक्चर्स आप चाहते हैं अपने लैपटॉप से अपने उससे पिक्चर्स को लीजिए और कोई भी पिक्चर्स चाहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमने कोई पिक्चर्स ले लिया ठीक है यहाँ से अपने अपने कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर से कोई भी पिक्चर्स ले लिया और कोई भी पिक्चर्स यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर इसके डेटा में सेव कर सकते हैं और डेटा में सेव कर करके क्या कर सकते हैं यहाँ पर अपनी कोई भी पिक्चर्स को यहाँ पर क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं ठीक है ना कैसे भी हम यहाँ पर इसको लगा सकते लग हैं छोटा कर सकते हैं बढ़ हम कहने का मतलब है कि आप इसको इसको आर्टिस्ट को भी चेंज कर सकते हैं ठीक है ना इसका क्या करेगा ठीक है ना तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं इस तरह से हम अपने प्रेजेंटेशंस की कितनी स्लाइड्स के कितनी भी स्लाइड्स को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं क्रिएट कर सकते हैं और क्रिएट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर इसको कैसे कैसे कर सकते हैं ना इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन डाउनलोड हम क्या कर सकते हैं फ्री वाले वर्जन में ओनली वी कैन डाउनलोड हियर कौन कौन सी चीजें यहाँ पर यहाँ पर पीएनजी है है ना पीएनजी विदाउट बैकग्राउंड है जेपीजी और पीडीएफ तो अगर हम पीडीएफ पे क्लिक करते हैं तो ये क्या कर देगा आपको विल यू पी डी एफ आप क्या कर देगा पी डी एफवाइड जेपी जी प्रोवाइड सारी चीज प्रोवाइड कर दिया तो यहाँ पर क्या हो, यहां पर क्या हो गया तुण तुण यहाँ पर उसने क्या कर दिया यहाँ पर पी डी एफ आपकी क्रिएट हो गई यहाँ पर उसने क्या कर दिया ये पी डी एफ जो भी आपकी थी वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई ठीक है ना उस पी डी एफ को क्या कर दूंगा इस पी डी एफ को आई विल सेंड टू यू कहाँ पर मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजता हूँ तो आप उस पर देखिएगा यहाँ पर फिर शेयर करना पड़ेगी ठीक है ना तो अब ये क्या है पीडीएफ uh, है हमारी ठीक है पीडीएफ में क्या कर दूंगा आपको वहां पर सेव कर दूंगा या पीडीएफ यह डाउनलोड हो गई जो हमने यहां से किया था ठीक है ना तो इस तरह से हम बेपी गे आई का यूज कर सकते हैं बेपी गई का यूज हम लोग इस तरह से कर सकते हैं ठीक है ना तो क्या कर सकते हैं हम लोग इस तरह से बेपीआई का यूज कर सकते हैं ना जो बहुत सारे एलिमेंट्स है एलिमेंट्स वहां पर थे यहाँ पर भी एलिमेंट्स बहुत सारे एलिमेंट्स का यूज कर सकते हैं हम फोटोज का यूज कर सकते हैं अपलोड हो गया टेक्स टू इमेज अच्छा टेक्स टू इमेज उसमें बता रहे थे उसमें पैसे मांग रहा था अब इसमें देखो टैक्स टू इमेज क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपको कोई टैक्स बनाना है कैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट ए टैक्स किस चीज के लिए किस चीज के टैक्स ए लेडी ए लेडी ड्रेस आपने ये कहा तो आपने ये कहा तो ये क्या कर देगा आपको ये जो लेडीज स्टैंडिंग मार्केट में परचेजिंग ड्रेस तो वो क्या कर देगा आपको uh, मतलब टैक्स से आपकी जो पिक्चर्स को जनरेट करके दे देगा ठीक है ना ठीक है जनरेट करके दे देगा ठीक है तो ये देखिए ये ना क्लॉथ मार्केट है सब्जी मार्केट है दो दे दी जो भी चीज आप चाहे वो कर सकते हैं इसमें डाउनलोड का इंक्लूड था अपने डिजाइन में और इसको प्रॉम्प्ट को एडिट कर सकते ठीक है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसमें जो दिया है ना तो आप यहाँ पर कर सकते हैं इन इंडिया तो ठीक आप इंडिया कर दो और ये यहाँ से टॉर्न कर लो टॉर्न फोटो चाहिए आपको डिजिट आर्ट चाहिए थ्री चाहिए पेंटिंग चाहिए सरप्राइज जो भी चाहिए आपको कर दे फोटो चाहिए तो हमने आप फोटो पे क्लिक किया गो टू प्रीमियम अब ये क्या कर रहा है प्रीमियम मांग रहा है प्रीमियम मांग रहा है पैसा लेना है आपने ज्यादा कर लिया तो ये क्रेडिट हमारे खत्म हो गए यहाँ से तो पैसा मांग रहा तो इस तरह से हम जनरेट भी कर सकते हैं बहुत सारी इमेजेस को अपने हिस्से ठीक है ना तो आई थिंक इट इज ओके और कोई भी अगर आप लोगों को है तो यू कैन आस्क मी अदरवाइज वी विल एंड इट है ना तो मेरा दूसरा क्लास है तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और तो कुछ नहीं आपको पूछना है जल्दी से तो पूछेगा एक्चुअली वी हैव नो टाइम मोर टाइम ना तो इसलिए आज थोड़ा सा हमने आ, फास्ट आपको बताया और जो भी प्रॉब्लम है यू कैन राइट राइट इन द चैट बॉक्स वी विल रिप्लाई यू है ना जो भी प्रॉब्लम है जहाँ भी प्रॉब्लम है जिस टूल्स के बारे में आपको समझ नहीं आ रहा है और वैसे तो बहुत टूल्स तो बहुत सारे हैं लेकिन हम बहुत सारे टूल्स को नहीं दो दिन में कवर कर सकते नहीं ठीक है ओके आर के मनसुल्ला मनस मैम एवरीथिंग इज ओके मेरी आवाज़ पहुंच रही है ना आप लोग ऐसा तो नहीं आवाज ही नहीं पहुंच रही मैं ही बोल रहा हूँ बस रेस्पॉन्स नाइस nice मैम अच्छा तो कोई क्वेश्चंस आपका कुछ पूछना चाहते हैं कोई पूछना चाहते हैं कुछ जानना चाहते हैं या फिर हम लोग इसे यहीं पर ही एंड करें ना हम लोग आ, आपको लोग सर्टिफिकेट वी विल प्रोवाइड दो सर्टिफिकेट है ना सर्टिफिकेट हम लोग प्रोवाइड कर देंगे टुमारो और बाई टुमारो है ना आपके रजिस्टर्ड ई मेल पर ठीक है देर इज नो प्रॉब्लम अब ओके अलबीना थैंक यू सर ओके 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 देर इज नो क्वेश्चन कोई सवाल नहीं है किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है कुछ नहीं है ओके 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 ठीक है फिर ओके 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 डियर पार्टिसिपेंट सी यू द नेक्स्ट टाइम हैव ए गुड डे थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच Thank you, everyone. Thank you. Okay, thank you. Thank you, everyone. Eh? Okay, thank you.